नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज और आपके साथ मैं हूं सुषमा। आज बात होगी रैगिंग के, जिनके पिछले 20 दिनों से मेडिकल कॉलेजेस में रैगिंग का जो चिन्ह सूबे में शिक्षा व्यवस्था के लिए कलंक बना हुआ है वो अब धीरे धीरे स्कूलों तक भी पहुंचने लगा है। पिछले 20 दिनों में प्रदेश के भीलवाड़ा जिले के 2 मेडिकल कॉलेजेस में रैगिंग के मामले सामने आए थे, जिनकी जांच चल ही रही थी कि इस बीच एक हाई स्कूल में रैगिंग के मामले ने सबको सन्न कर दिया। और ये आधुनिकता के साथ रैगिंग के तरीके जो बदलते दिखाई देते हैं, जहां पर पहले कहा जाता था कि एक इंट्रोडक्शन होता है सीनियर्स और जूनियर्स के बीच में, एक हंसी मजाक का पल होता है, वहां पर स्थितियां इतनी खराब होती चली जाती हैं कि रैगिंग के नाम पर अपनी जान गंवाना पड़ जाता है कई छात्रों को। तब इसे क्या कहेंगे, सख्त कानून की बात कही जाती है, जिम्मेदारियों को तय करने की बात कही जाती है, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस भी होती है, लेकिन इन सब के बावजूद अगर रैगिंग का जिन बोतल में बंद नहीं होता है, वो स्कूल कॉलेजेस तक घूमता रहता है, तो किसकी जिम्मेदारी, इसकी वजह क्या, जवाब तो देना पड़ेगा। तो आपको बता दें कि अभी हमने देखा मेडिकल कॉलेजेस के सत्र शुरू होते हैं, फिर चाहे हम भरतपुर के मेडिकल कॉलेज की बात करें जहां पर 10 सीनियर्स के खिलाफ कार्रवाई की बात कही गई, एक वीडियो वायरल हुआ सीसीटीवी फुटेज, उसके बाद यहां पर खुलासा हुआ कि क्या कुछ हुआ था। इन सब के बीच में हमने जैसा आपको बताया था कि कई और मेडिकल कॉलेजेस हैं भीलवाड़ा का, जहां पर छात्राओं ने अपनी जूनियर छात्राओं के साथ रैगिंग की थी, वहां पर भी एक्शन लिया गया। ऐसे अनगिनत मामले हैं, लेकिन स्कूल में 10वीं क्लास के छात्र के साथ अगर रैगिंग होती है तो उसकी मना स्थिति क्या होती है, और ऐसे कैसे ये मामले सामने आते जाते हैं, और जिम्मेदारी किसकी तय होगी यहाँ पर, इस पर हम बात करेंगे। अगर आपके पास भी कोई जानकारी है, आप भी कोई सवाल यहाँ पूछना चाहते हैं या कोई राय देना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, लेकिन उसके पहले हम रुख करेंगे अपने पैनल का। पैनल से इंट्रोडक्शन करवा देते हैं। संगीता बेनीवाल जी हैं जो कि अध्यक्ष बाल अधिकार संरक्षण आयोग की, वो हमारे साथ जुड़ रही हैं। विजय गोयल जी सामाजिक कार्यकर्ता, डॉक्टर अनीता गौतम मनोचिकित्सक हैं, सुशील शर्मा जी अध्यक्ष हैं राजस्थान अभिभावक संघ के, शंकर गौरा जी बीजेपी नेता हैं, और हमारे साथ अजमेर से कुछ छात्र भी जुड़ेंगे, उनसे भी हम बात करेंगे कि आखिर किस किस तरीके की समस्याओं का सामना उनको करना पड़ता है। लेकिन जब सबसे पहले बात आती है तो यहाँ पर हम संगीता जी से सवाल करेंगे। संगीता जी, ये मामला बहुत गंभीर हो जाता है कि अब स्कूल में भी रैगिंग हो रही है, तो इस पर क्या कुछ एक्शन मैडम? जी, बड़ा दुख की बात है, जहाँ पर हमको लगता है कि रैगिंग लगभग ख़त्म सी हो गई है, तो वहाँ पर स्कूल स्तर में 10वीं कक्षा का बच्चा, जो हमारे देश का भविष्य है, अपने बोर्ड की तैयारी कर रहा है, ये बात सामने आती है कि कुछ बच्चों ने पहले उसके साथ मारपीट करी। स्कूल प्रशासन को सचेत करने के बाद भी 15 से 20 दिन पहले का ये वाक्या है, उसके बावजूद भी स्कूल प्रशासन जागरूक नहीं हुआ, और आज उस बच्चे को टॉयलेट के अंदर ले जाके उसी के सहपाठियों के द्वारा मारपीट की जाती है। तो इसका बाल संरक्षण आयोग इसको लेकर काफ़ी हताश है, और हम इसका प्रसंज्ञान लेते हैं। हमारे श्री गंगानगर के भी बाल संरक्षण आयोग हैं, उनके अध्यक्ष महोदय और सब लोगों ने एक चिट्ठी भी दी है, और 7 दिन का समय दिया है कि बाल वाहिनी, जिसमें कोई कैमरा नहीं है, स्कूल में कैमरा नहीं है, कैमरा लगाया जाए और हमें तथ्यात्मक रिपोर्ट भेजी जाए। और मैं स्वयं भी इसको व्यक्तिगत रूप से देख रही हूँ, और मैं खुद मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी सभी को हमारे आयोग की तरफ से चिट्ठी भिजवाऊंगी, और उनको 4 दिन का समय देते हुए इसका जवाब मांगूंगी कि आज हमारे देश में जब हमारे स्कूल में 10वीं क्लास तक के बच्चे भी सुरक्षित नहीं हैं, तो क्या क्या। अच्छा मैडम, ये एक जब रैगिंग की बात आती है संगीता जी, तो ये क्रिमिनल ऑफेंस होता है, ऐसे में जब आप खुद ये बात बता रही हैं, और जैसा हम लोग भी देख रहे हैं कि स्कूल की जिम्मेदारी होती है, स्कूल इसको दबाने की कोशिश करता है, इसको गंभीरता से नहीं लेता है, तो क्या केस दर्ज करवाया गया स्कूल प्रबंधन के लिए के खिलाफ? जी बिल्कुल, मैंने हमने इसका प्रसंज्ञान लेते हुए स्कूल के व्यवस्थापक, प्राध्यापक और सभी को इसके कटघरे में लिया जाएगा, और उनसे हम खुद आयोग के माध्यम से, चिट्ठी के माध्यम से, और जिला शिक्षा अधिकारी तक को हम ये चिट्ठी भेजा जाएगा कि आखिर ये वाक्या हुआ तो कहाँ सारा प्रशासन था, कहाँ स्कूल था, कहाँ शिक्षक थे, और इस बच्चे के साथ ऐसा क्यों हुआ। हमारे वहाँ बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष वगैरह उनके माता पिता से भी मिले, बच्चे से भी मिले, और हमने बच्चे को ये पूरा विश्वास दिलाया है कि बाल संरक्षण आयोग ऐसे में बच्चे के साथ है,
और बच्चे को पूरा न्याय मिलेगा और बच्चे को वो विश्वास वापस दिलाया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि 10वीं का बच्चा जिसका मन बहुत कोमल होगा उसके ऊपर अगर इस तरीके की घटना सामने आए कि आपको बाथरूम में बंद कर दिया जाए और बार बार शिकायत के बाद भी स्कूल प्रबंधन अगर ध्यान नहीं दे तो क्या कहेंगे आप अनिता जी? अनिता जी, ये मनोचिकित्सक के तौर पर आप समझ सकती है कि बच्चे के मन पर क्या बीत रही होगी और भविष्य के बारे में उसके जहन में क्या ख्याल हो रहे होंगे, क्या चित्र बन रहे होंगे, क्या केवल आश्वासन दिलाने से स्थितियां बदल जाएंगी? देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, एक 10वीं क्लास का बच्चा है, एक टीनेजर है, ऑलरेडी उसके शरीर में काफ़ी सारे बदलाव आ रहे हैं, दिमाग में, मानसिकता में काफ़ी सारे बदलाव आ रहे हैं। जिस स्कूल के अंदर वो आगे पढ़ने जाता है, 10th, जहाँ हमारे समाज में एक बहुत बड़ा स्टेप माना जाता है कि 10th में बोर्ड में आपके जितने मार्क्स आएंगे वो डिसाइड करता है कि आप आगे क्या सब्जेक्ट, ऑलरेडी अंडर प्रेशर होगा, अंडर प्रेशर है, अंडर स्ट्रेस है, वो चाहता है कि वो आगे यहाँ पे पढ़ पाए, अपने दोस्तों के साथ खेल पाए, टीचर्स के साथ एक उसका रिलेशनशिप बने, एक अच्छी तरीके से अच्छे भविष्य के बारे में सोचे। वहीं पे अगर इस तरीके की घटनाएं होती है, रैगिंग होती है, उसके साथ मारपीट होती है ना केवल, और उसको मारपीट के बाद उसको बाथरूम में बंद करा जाता है, तो एक उसके लिए एक शॉक जैसी घटना हो गई, वो आगे पढ़ नहीं पाएगा, उसको डर बैठ जाएगा उसके मन में कि अगर मैं स्कूल जाऊंगा तो मेरे साथ मारपीट होगी, मेरे साथ ये जो मेरे सीनियर्स हैं या मेरे क्लास के लोग हैं मेरा मजाक उड़ाएंगे, और इस बारे की बात की घटना अगर बाकी बच्चों को पता चलेगी तो वो मेरा मजाक उड़ाएंगे कि किस तरीके से मेरे साथ ये घटना होगी। तो एक शेम गिल्ट ना चाहते हुए कि ये मेरी गलती है, मेरी ही वजह से ऐसा हुआ है, जबकि उसकी कोई गलती नहीं है, फिर भी वो अपने आप खुद बिल्कुल और एक डिप्रेशन जैसी सिचुएशन हो जाती है। और ये जो उम्र होती है जिसमें हार्मोनल चेंजेस भी हो रहे होते हैं शरीर में, कई तरीके के चेंजेस होते हैं और कई सारे भावों का भी ज्वार देखने को मिलता है, वहां पर बहुत खतरनाक भी हो सकता है, स्टेज होती है वो इंसान की। विजय गोयल जी, ये बहुत खतरनाक हो जाता है, कई केसेस में हमने देखा है कि डिप्रेशन, सीवियर डिप्रेशन में छात्र चले जाते हैं, छात्राएं चली जाती हैं और कई बार सुसाइड जैसी घटनाएं भी सामने आ जाती हैं। अब सवाल ये उठता है कि फर्स्ट स्टेप पर इसे रोका कैसे जाए, स्कूल तो सुनवाई नहीं कर रहा, टीचर ध्यान ही नहीं दे रहे। आपने टीवी पे सीरियल देखा है कि स्कूल कैंपस नहीं देखा शायद? नहीं सर, मैं ज्यादा सीरियल नहीं देखती। इसको एक कैंपस एक सीरियल आ रहा है स्कूल टीवी पे, स्कूल कैंपस, सेम टू सेम उसकी पूरी स्टोरी है। अच्छा, जहाँ ये बच्चे गुट बन जाते हैं, छोटे छोटे गुट, और वो छोटे छोटे गुट एक जो गुट हैवी हो जाता है वो छोटे वाले गुट को दबाता है। ये बच्चा हो सकता है ट्रांसफर होकर के कहीं से आया है, किसी अन्य डिस्ट्रिक्ट का है, इसका चेहरा, इसकी शक्ल, इसका रंग रूप शायद और उनसे भिन्न होगा, तो वो इस पूरी शिकार का वो बना। देखिए, हम परोस क्या रहे हैं आखिर में बच्चों को, जो बच्चा देख रहा है, जो बच्चा अनुभव कर रहा है, जो बच्चा सीख रहा है वो उसको इम्प्लीमेंट कर रहा है, कहीं ना कहीं ये उसका परिणाम है। आपने कहा कि सब कॉलेजों में रैगिंग का पुराना रूप था, कुछ सुधार हुआ, लेकिन अभी पिछले दिनों में जब आपने भरतपुर का उदाहरण दिया, आपने भीलवाड़ा मेडिकल कॉलेज में वो तो एक रैगिंग पहले चलते है। स्कूलों में जो चीजें आ रही है, ये स्कूलों में तीन चार सीरियल आ रहे हैं आजकल टीवी पे बड़े बड़े, एक स्कूल करके कोई एक सीरियल आ रहा है, एक स्कूल कैंपस सीरियल आ रहा है, ये सारे सीरियल यानी कि मीडिया जो है, चाहे सोशल मीडिया हो चाहे टेलीविजन हो, उसके जरिए आप बहुत सारी चीजों को गलत तरीके से बच्चों के मन में डाल रहे हैं, आप ये कहना चाहते हैं। ठीक है, इस पर बात करूंगी संगीता बेनीवाल जी से, उसके पहले शंकर गौरा जी का रुख जानूंगी। शंकर गौरा जी, ये किसी राज्य विशेष की समस्या नहीं है, पूरे देश में रैगिंग के खिलाफ कई दफा देखते हैं कि मुहिम तो चलाई जाती है लेकिन हर साल घटनाएं भी सामने आती है, और आपको याद होगा हिमाचल का जो काचू केस था उसके बाद ज्यादा इस पर फोकस किया गया, सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको संजीदगी से लिया, लेकिन सर सरकार इस पक्ष पर क्या करती है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बहुत बन जाती है। हेल्पलाइन नंबर है, उस पे कॉल्स आती है कि नहीं आती है, कितनी मदद मिलती है नहीं मिलती है, इसका कोई डेटा तो होना चाहिए एटलीस्ट। देखिए सुषमा जी, मैं विश्वविद्यालय का छात्र नेता रहा और लंबे समय से छात्र राजनीति से निकल के आया हूं, तो इन सब चीजों ने मैंने वास्तविकता में भी देखी है। जब पहली बार छात्र आता है तो हमने एक प्रोग्राम शुरू किया था, जब मैं जिस अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ के आया था तो हम तिलक लगा के उन छात्रों का स्वागत करते थे, उससे एक बहुत बड़ा पॉजिटिव उन छात्रों को बीच में मिला था। किस बैच की बात कर रहे हैं आप? मैं 2010 से लेके 2016 तक राजस्थान विश्वविद्यालय में रहा, उस समय कोई प्रकार की कोई रैगिंग की घटनाएं नहीं हुई थी, उस समय हमने बहुत अच्छी अच्छी पहल चलाई थी। दूसरी तरफ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो इस प्रकार से अभी सर ने बताया कि जो सीरियल आ रहे हैं और जो मूवीज आ रही है उनसे एक बहुत बड़ा नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है। तीसरी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से अभी पिछले एक महीने में हमने देखा है कि चार जिलों में मेडिकल कॉलेजों में
भीलवाड़ा हो गया, चूरू हो गया, झालावाड़ हो गया, भरतपुर हो गया। नहीं वैसे ठीक है, वो तो मैं बता रही हूँ, मुझे बस एक चीज बताया, नेशनल एंटी रैगिंग हेल्पलाइन नंबर है, इसके लिए कोई डेटा क्यों नहीं जारी किया जाता कि हमें कम से कम एक रफ डेटा तो मिले कि हाँ इतने नंबर आ रहे हैं सामने, इतने रैगिंग के मामले हैं, कहाँ कहाँ से किस किस स्टेट में, कुछ क्लियर हो ताकि उस स्टेट गवर्नमेंट पर प्रेशर डाला जा सके कि उसको और बेहतर कर सके, उसको लेकर तो कुछ करना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट को। सीधी सीधी चीज जुड़ी हुई है, कानून व्यवस्था से जुड़ी हुई है, और आप देखिए राज्य में कानून व्यवस्था के क्या हाल है। दूसरी मेरा, मेरा सवाल कुछ और है, मेरा सवाल है नेशनल एंटी रैगिंग हेल्प डेस्क जो है उसका काम कहाँ है, उसके आंकड़े कहाँ है, मेरा सीधा सवाल यही है बस। सुषमा जी उसके आंकड़े भी राज्य सरकारों को अवेलेबल करवाए जाते हैं, मगर दूसरी चीज जो मैं बता रहा हूँ, जो कानून व्यवस्था से सीधा सीधा सवाल जुड़ा हुआ है, राज्य में जो कानून व्यवस्था पर जिस प्रकार का पूरे राजस्थान की कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है, आप देखिए आपने एंटी रैगिंग नंबर की बात की, मैं इनसे पूछ लेता हूँ कि इनको मालूम है क्या वो एंटी रैगिंग नंबर, और ये सबसे बड़ी बात है कि अवेयरनेस ही नहीं है, किसी को पता ही नहीं है, शंकर कोरा जी लगे हुए नहीं है कि नंबर क्या है। सुशील शर्मा जी के पास जाओ, उसके पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, चूरू से आशाराम जुड़ गए, आशाराम जी कहिए क्या कहेंगे आप। हम ये कहना चाहते हैं कि रैगिंग का जो मामला है इसमें संबंधित मेडिकल कॉलेज के जो प्रिंसिपल है वो मैडम प्रिंसिपल सिर्फ अपनी हाजिरी वहां पर देते रहते हैं, कोई कार्रवाई प्रभावी रूप से नहीं करते, उनकी जिम्मेदारी फिक्स की जानी चाहिए कि वो इस पर ध्यान देवे। छात्रावास है उनके अंदर, वार्ड है, उनकी जिम्मेदारी फिक्स होनी चाहिए, मतलब जिम्मेदारी तो किसी फिक्स करते नहीं है, ये दांत वगैरह बैठा कर उससे कुछ नहीं होने वाला है। हाँ, बिल्कुल एक कमेटी बना देते हैं आपके, बिल्कुल सर मैं समझ गई आपकी बात, आप कहते हैं कि एक मॉनिटरिंग कमेटी है जो एंटी रैगिंग के लिए काम करेगी, वो नजर रखेगी, लेकिन नजर कैसे रखेगी, क्योंकि सब कुछ होता है दबाने की कोशिश पहले होती है, बाद में कहते हैं कि पुलिस केस जाएगा, जब बहुत ज्यादा वो मीडिया में आ जाता है, जब हंगामा शुरू हो जाता है या कोई ऐसा दुखद हादसा हो जाता है, तब जाकर के स्कूल और कॉलेज प्रशासन इसको उठाते हैं, पहले दबाने की कोशिश होती है। सुशील शर्मा जी कितना सहमत है आप मेरी इस बात से? देखिए इसमें पहली बात तो यह है कि अभी तक दिक्कत ही आ रही है कि जैसे अभी आपने एक पॉइंट उठाया कि इसके अंदर लोगों के पास नंबर कितने लोगों के पास अवेयरनेस कितनी है, लोग जानते कितना कि इसके खिलाफ शिकायत करेंगे तो क्या क्या बोले कि हम तो एक हाफ लिटरेट की बात ना करें, हम तो पूरी जो एजुकेटेड लोग हैं उन तक को ये मालूम नहीं है। बिल्कुल ठीक है, ये स्टेट की ड्यूटी है कि जो है हर एक स्कूल के अंदर, हर एक कॉलेज के अंदर, हर एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर इसका पूरा का पूरा पब्लिसिटी हो, हर एक स्टूडेंट को मालूम हो कि इस तरीके की चीजें अगर होती तो उनका किस तरीके से ट्रीटमेंट किया जाए। बेसिकली तो ये है, क्योंकि अगर हम प्रोपेगेंडाइज नहीं कर सकते इसको तो फिर वो बेकार है। नंबर वन, नंबर टू ये है, कागजों में बन के रह गया नियम और किसी को पता ही नहीं। जी, नंबर टू ये है कि ये ड्यूटी सिर्फ हम स्टेट के ऊपर ही नहीं डाल सकते, हर एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, उसका मैनेजमेंट, उसके प्रिंसिपल, उनके सारे टीचर्स की एक कॉमन रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि स्कूल के अंदर कोई भी चीज मिस हैपनिंग्स होती है, किसी भी तरीके का अब्यूज होता है, तो वो जिम्मेदारी वो लें। बिल्कुल, और यहाँ पर्सनल लायबिलिटी जो फिक्स की बनती है। जी, इसमें असल में जो अगर फॉर द एग्जांपल अगर हम लेते हैं हॉस्टल, तो हॉस्टल का वार्डन है, उसकी पर्सनल रिस्पांसिबिलिटी है कि अगर उसके अंदर कुछ होता है तो उसको पनिश किया जाए। इसी तरीके से क्लास में अगर कोई हो रहा है तो उस टीचर की जो है पर्सनल लायबिलिटी है कि उसको उसके लिए होल्ड किया जाए और उसको जो है पनिश किया जाए। सुशील शर्मा जी आप बहुत अहम बात कर रहे हैं कि संगीता जी हमारे साथ बनी हुई, संगीता रैगिंग का जो सिस्टम है वो कई बार ऐसा होता है जैसे कि अभी ना कई सारे कॉलेजेस और स्कूल्स में कॉरिडोर्स के अंदर कैमरा लग रहा है, आपके क्लासेस के अंदर कैमरा लग रहा है। नाउ द जो बच्चे हैं वो नेक्स्ट जनरेशन दे बिकम मोर स्मार्टर, उन्होंने वो चीज हटा दी है, बाथरूम में जाके इसको पीटा है क्योंकि उसका कोई आपके पास सबूत नहीं है। रास्ते में आप घर जा रहे हैं, बाजार में, मार्केट में जाते हुए वो उनकी रैगिंग लेते हैं क्योंकि मार्केट में कोई मैनेजमेंट नहीं है। बिल्कुल, हर जगह ऐसा उन छोटे बच्चों के अंदर जो उनसे जूनियर आए उनके अंदर एक खौफ पैदा कर देता है कि नहीं हम तुम्हारे सीनियर हैं इसीलिए हम तुम्हारी दो चीज है। आप मनोचिकित्सक आप इसको दो चीज को समझ सकती है, एक बच्चा जो पिट रहा है उसकी मनास्थिति तो आप समझ रहे हैं, लेकिन जो पीट रहा है वो भी किस दिशा में जा रहा है उसकी मनास्थिति क्या हो रही है, जो डरावनी स्थिति है। देखिए रैगिंग, रैगिंग हो सकता है कि पहले एक इंट्रोडक्शन होता है कि ये ना जो नए जूनियर्स आ रहे हैं हम उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनकी क्या एक हंसी मजाक का था, पर धीरे धीरे उसका जो रूप है वो बदल गया है, अब बहुत ज्यादा भयावह होगा, उनसे साथ मारपीट, अगर किसी जूनियर ने मेरी बात नहीं मारी, एक थप्पड़ लगा दिया, उसको मारपीट, ना सिर्फ थप्पड़
कई बार डंडों से पिटाई। ये बात करेंगे, ये जो मनास्थिति सर बात करेंगे, ये दोनों की मनास्थिति की हम बात कर रहे हैं कि आखिर फ्यूचर कहाँ है ना उन बच्चों का। जो मार रहा है उसके अंदर वायलेंस एग्रेशन वैसे ही बढ़ा हुआ है। बात करूंगी लेकिन हमारे साथ हमारे सहयोगी भी जुड़ गए अजमेर से, उनका रुख कर लेती हूं भूपेंद्र का, उनके साथ कुछ छात्र हैं। भूपेंद्र, ये छात्र क्या कहते हैं, क्योंकि रैगिंग एक बहुत बड़ी समस्या, एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर क्रिएट करने के लिए पहले से अच्छा माना जाता था, लेकिन अब बात जब मारपीट तक आ जाती है, सुसाइड तक आ जाती है, तब इनका क्या कहना है, क्या इन्होंने कभी फेस किया या कहीं देखा सुना अपने आसपास? जी देखिए, इन्हीं से बात करते हैं कि किस तरह जो है रैगिंग जो है कॉलेज या स्कूलों का माहौल ख़राब कर रही है। भैया आपसे जानना चाहूँगा कि किस तरह रैगिंग की जो घटनाएं होती है वो कहीं ना कहीं जो कॉलेज का अच्छा माहौल होता है उसे बिगाड़ देती है। जो बच्चा घर से दूर आता है रहने के लिए या पढ़ने के लिए, उस पर किस तरह की उसकी मनोस्थिति बना देती है रैगिंग? ये रैगिंग जो मामला है जो सबसे ज़्यादा टेक्निकल कॉलेज या मेडिकल कॉलेज में बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि जो गांव परिवेश से आने वाला बंदा खुल के आता है और यहाँ आने के बाद जो सीनियर लोगों के द्वारा जो दबाव बनाया जाता है लिए उनके लिए निंदना का विषय होता है, क्योंकि बंदा खुल के आता है उसके बाद में उसके ऊपर सारी चीज़ों का आरोप लगाया जाता है, उसको एक दंड के रखते एक नियमों के तहत उसको बांध दिया जाता है कि सीनियर लोग कहते हैं मुझे उस प्रकार का करना चाहिए वो करना चाहिए, ये उसको पूरी पाबंदियाँ लगा दी जाती हैं। हमारा ये कहना है कि उस पाबंदियों को तोड़ दिया जाए और बच्चे को स्टूडेंट को नए स्टूडेंट जो भी होते उनको एक साथ अपने मानवता हित को ध्यान में रखते हुए एक साथ कन्वेंस करें, और यदि कोई ऐसी सीनियर यूनिटी की बात आए तो फिर वो सारा विचार सारे अलग होने चाहिए। क्योंकि एक बड़ा प्रशासन होता है कॉलेज में, आखिरकार जिम्मेदार कौन होता है? क्योंकि सभी जब रैगिंग की घटना होती है तो सभी अपना अपना पल्ला झाड़ते हैं, तो आपको क्या लगता है जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार तो प्रशासन होते हैं क्योंकि वहाँ पर कड़े नियम नहीं बनाए होते हैं। सबसे जरूरी है कि रैगिंग को लेकर कड़े नियम बनाने चाहिए और उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं, अब देखिए यही बात आ जाती है भूपेंद्र, कड़े नियम बनाने चाहिए, एक्चुअल में कड़े नियम हैं लेकिन कड़े नियम की जानकारी नहीं है, कड़ी सजा नहीं मिलती और इसलिए जानकारी भी नहीं पहुंच पाती है। जब सजा होगी, कोई केस अगर चर्चा में आएगा तो ऑब्वियसली लोगों को कुछ पता होगा। अब जिम्मेदारी यहाँ पर बनती है बाल अधिकारी की, बाल संरक्षण आयोग की जिम्मेदारी बनती है। संगीता जी, जो हम बात अभी कह रहे थे कि कानून तो बने लेकिन स्कूल के प्रिंसिपल तक को नहीं पता होते हैं, टीचर्स तक को नहीं पता होते हैं, तो बच्चों को कैसे पता होंगे, अभिभावक को कैसे पता होंगे, तो इसको लेकर आप क्या कर रही हैं? जी मैं सबसे पहले अपनी बात शुरू करने से पहले धन्यवाद देना चाहूंगी फर्स्ट इंडिया के हेड को और पूरी टीम को जिन्होंने इतना सेंसिटिव मुद्दा उठाया और लोगों के बीच में लेके आए। और मैं यही कहना चाहूंगी कि विद्यालय जिसको कि हम मंदिर कहते हैं और हम अपने बच्चे को स्कूल तक भेज के निश्चिंत होते हैं कि हाँ हमारा बच्चा शिक्षा प्राप्त करके आ रहा होगा, और हमें ये सुनने को मिलता है कि हमारे बच्चे के साथ उनके सहपाठियों ने ये किया, तो वाकई में ये एक गंभीर विषय है और आयोग भी इसको गंभीरता से लेता है। और मैं तो ये कहना चाहूँगी कि स्कूल जो तथ्यात्मक रिपोर्ट देगा उससे अगर हम संतुष्ट नहीं होंगे तो हम इस स्कूल की मान्यता नहीं। संगीता जी आप समझी नहीं, संगीता जी आप सवाल नहीं समझी शायद, हम पर्टिकुलर इस केस की बात नहीं कर रहे, हम ये कह रहे हैं कि इस केस के बाद कोई केस ही सामने ना आए या उनके नंबर्स में गिरावट हो, ताकि स्कूल भी जाने के अधिकार क्या है, कानून क्या, और बच्चों को बताया जाए कि छोटी भी कोई घटना अगर शुरुआत में होती है तो वो ऐसे शिकायत कर सकते हैं, उनके अभिभावक ऐसे स्टेप ले सकते हैं, अवेयरनेस के लिए क्या किया जाएगा, सवाल तो ये है मैडम। जी बिल्कुल, जागरूकता के लिए भी जिस तरह से हेल्पलाइन नंबर है उसी तरह से एक और हेल्पलाइन नंबर बहुत जल्द हम लॉन्च करने वाले महीने दो महीने। मैडम आप समझी नहीं, फिर मेरा सवाल, कितने बच्चों को पता है, कितने टीचर्स को पता है, कितने अभिभावकों को पता है कि हेल्पलाइन नंबर है? जी सर, सुषमा देखिए ये हेल्पलाइन नंबर और इससे बात छोड़ दीजिए, आरटीई में एक प्रोविजन है कि हर स्कूल में शिकायत पेटिका रखी जाएगी। आयोग के तीसरे टर्म है ये, पहले दो टर्म निकल चुके हैं और दोनों टर्मों ने इसको इम्प्लीमेंट करने की जहमत नहीं उठाई। बच्चा कहीं शिकायत, भाई बच्चे को कहीं स्कूल में एक कोई चीज पॉजिटिव चीज दिखती है तो वो टीचर है। बिल्कुल, क्या स्कूल में टीचर और बच्चे के बीच में जो फ्रेंडली कम्युनिकेशन है कि नहीं है वो exactly. कहीं है क्या? हाँ, वो नहीं है। क्योंकि टीचर मारेगा, टीचर को इरिटेट करेगा, किससे कहेगा, नहीं कहेगा। हाँ, हम बार बार ये कह रहे हैं कि हर स्कूल में शिकायत पेटिका रखो, उसको नियमित रूप से उसका विश्लेषण करो,
आप इस वाले केस की पर्टिकुलर इस वाले केस की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि 15 दिन से स्कूल टीचर स्कूल प्रशासन को इस पूरी घटना के बारे में मालूम था, तो फिर प्रशासन ने अभी तक उसके ऊपर एक्शन नहीं लिया, इसका मतलब स्कूल प्रशासन ने इस पूरे मुद्दे को बहुत लाइटली लिया, ग्रांटेड लिया, और इसका मतलब कि पूरा का पूरा प्रशासन दोषी है, तो पूरे के पूरे प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई होगी। सुशील शर्मा जी अपनी कोई बात कह रहे हैं, मैं इसमें कहना चाह रहा हूँ, देखिए असल में ये तो एक रैगिंग का मामला है, अगर आपको मालूम होगा पूरे इंडिया के अंदर बहुत सारे स्कूल है जिनमें बच्चों के हत्याएं तक हो चुकी है, वहाँ स्कूल मैनेजमेंट बजाय उसको दोषी को पकड़ने के वो दबाने की कोशिश करता है। मैं वही तो मैंने पेरेंट्स को बुलाते हैं और उसके बाद में उनसे सेटलमेंट की बात करते हैं कि ये चीजें आपकी स्कूल की छवि नहीं खराब हो, आपके स्कूल के कोई बुरा नहीं है, खराब ना हो जाए, मैनेजमेंट पे आपने अपने को बचाने की कोशिश, इसलिए उनको चुपचाप बुलाते हैं, बोले कि आपको ये चुपचाप रखिए, बताइए आपको हमसे क्या चाहिए, उसके बदले में बाकायदे नेगोशिएशन होते हैं और बहुत सारे मामले तो इसीलिए दब जाते हैं क्योंकि पेरेंट्स जो इतने प्रेशर में आ चुके हैं कि जो होना था वो तो हो चुका, अब क्या होगा, तो बस अब ठीक है जो दे दे करके जो मामला सेटल कर लेते हैं। तो यहाँ पे मेन बात ये कि आप जब तक किसी को जिसके भी अंडर में ये काम हुआ है उसको आप पर्सनली रेस्पॉन्सिबल नहीं बनाएंगे तब तक ये चीजें कभी भी नहीं रुकेंगी। सर फिर वही बात आती, घूम के फिर वही आते कि अगर मान लीजिए लॉ बना हुआ है, मान लीजिए कि कोई हेल्पलाइन नंबर है, हेल्प डेस्क है, लेकिन जब जानकारी नहीं होगी तो वो अभिभावक भी कैसे वो जाएगा स्कूल की प्रिंसिपल से बात कर, टीचर से बात करेगा, टीचर से नहीं बात बनेगी, प्रिंसिपल से बात करेगा, वहां भी नहीं बनेगी तो वो थक हार के सरेंडर कर देगा कि भाई अब स्कूल चेंज करा दो, यही हो सकता है ना सर, मैक्सिमम से मैक्सिमम काफी सारे ये हमारे साथ भी ऐसा हुआ है, हो चुका है कि जो हमारे साथ पढ़ते थे उन लोगों के कई इंस्टीट्यूट में सिलेक्शन हो गए थे, बट बिकॉज फ्रैगिंग उन्होंने वो इंस्टीट्यूट छोड़ दिया, फिर यहाँ पे आए। तो ऐसा कई बार होता है कि बच्चे अपने भविष्य के साथ समझौता करते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ रैगिंग, पढ़ने से डर नहीं है, मेहनत से डर नहीं है, पर सिर्फ एक रैगिंग, ठीक, रैगिंग की वजह से वो अपना जयपुर से मैडम हमारे साथ ही फेवर जुड़ गए हैं, उनका भी रुख चाल लेते हैं, दशरथ जी जुड़ गए, दशरथ जी कहिए क्या कहेंगे, दशरथ जी तो संपर्क कट गया, लेकिन यहाँ पर आप फिर जिम्मेदारी आती है कि सरकारों की जिम्मेदारी कितनी होती है। शंकर गौरा जी आप कह रहे हैं कि आपने इतनी बड़ी पहल की थी कि तिलक लगा के अपने जूनियर्स का आप स्वागत कर रहे थे, और अगर यूनिवर्सिटीज में अगर कॉलेजेस में ऐसी तस्वीर हो तो वाकई में राम राज की कल्पना जो हम करते हैं वो धरातल पर दिखाई देगी सर, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर कहीं हंगामा होता है, रैगिंग होती तो यूनिवर्सिटीज में होती है, हायर एजुकेशन में होती है, लेकिन आपकी सरकारों ने क्या कोशिशें की, काश कि आपसे कुछ सबक लेके आपकी सरकारें भी कोशिशें करती। सुमा जी बात यह है कि जो प्रशासन है वो इतना रूडली होता है उस बच्चे के सामने, अगर काउंसलिंग सेंटर खोले जाए बड़े कॉलेजों में, तो आ गई सर फिर घुमा रहे आप, मैंने यही तो पूछा क्या वाकई भी काउंसलिंग सेंटर्स खुले, स्कूलों में खुले, यूनिवर्सिटी में खुले, कॉलेजेस में खुले, कहां खुले हुए क्या, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन की हम बात करें, जो 3 सदस्यीय कमेटी ने सुझाव दिया था सुप्रीम कोर्ट को, जिसको गाइडलाइन बनाया सुप्रीम कोर्ट ने, उसमें कहा गया कि काउंसलिंग सेंटर्स होने चाहिए, कहां कहां पर काउंसलिंग सेंटर है। देखिए काउंसलिंग सेंटर्स है मगर वो प्रॉपर रूप से प्रशासन की वजह से चल नहीं पा रहे हैं। कहीं सर बच्चों के बाल अधिकार की जब बात करते हैं, बाल अपराध की जब बात करते हैं, तो थाने में एक वहां पर एक काउंसलर होना चाहिए, एक ऐसा शख्स के एक अधिकारी की वहां पर तैनाती होनी चाहिए जो बच्चे से बात करे, वो तक नहीं है थानों में, आप क्या बात कर रहे हैं। यही तो मैं कह रहा हूँ सुषमा जी की काउंसलिंग सेंटर है मगर वहां पर कोई प्रॉपर व्यवस्था नहीं है स्कूलों कॉलेजेस की। अब थाने की बात कर रहे हैं, जो बाल संरक्षण अधिकार कहते हैं उसमें भी उसको आप पूरा नहीं करते हैं, आपने भी नहीं किया था। तो मैं यही कह रहा हूँ कि जो इसका जो कानून है इसमें सजा मिलनी चाहिए, दूसरी तरफ अपने इसमें जो विश्वविद्यालय महाविद्यालय स्कूल प्रशासन है उसको भी नहीं भूल सकते, उसकी जिम्मेदारी होती है कि जो भी सीनियर जूनियर आए उनमें आपस में बिठा के उनसे कोई काउंसलिंग की बातचीत करी जाए। आजकल ऐसा हो रहा है कि सीधा भेड़ बकरी चाल सीधा स्कूलों में ठूंस दिया जाता है, क्लासों में भर दिया जाता है, उनको बच्चों को किसी प्रकार का आपस में इंटरेक्शन कराया नहीं जाता है, स्कूल के जो बच्चे हैं वो आपस कोई भी शिकायत होते हैं उनकी शिकायत नहीं सुनी जाती है। होता है हम भी स्कूल में पढ़े हम भी कॉलेज में इंटरेक्शन तो जब हम पढ़ते हैं 2-4 दिन बीतते तभी होता है, सीनियर जूनियरों की बात कर रहा हूँ मैडम। तो ये तो ये पॉसिबल है क्या कि हर बैच बीएससी के जितने बैचेस है या एमएससी के जितने बैचेस है बीकॉम के, ये पॉसिबल नहीं है ना सर, वो तो अपने आप से ही होगा, ये क्या रैगिंग इसका जरिया है क्या, कैसे इंट्रोडक्शन होगा। ठीक है एक व्यूअर हमारे साथ जुड़ गए, पहले उनका रुख कर लेती हूँ, चूरू से यशोदा जी जुड़ गए हैं, यशोदा जी कहिए क्या कहेंगे। हेलो यस मैम बोलिए। मैं चूरू से यशोदा सैनी बोल रही हूँ। जी मैम मैं ये बोल रही हूँ रैगिंग का मामला चल रहा है, इसके मायने जैसे इतना तनखा ले हुए हैं 1,00,000 रुपया प्रिंसिपल का, तो ये लोग ध्यान क्यों नहीं रखते है, ध्यान नहीं रखिए बच्चों के ऊपर, और जो बच्चे
मतलब इतनी है जो बदमाशी कर रहे हैं बच्चों के साथ है, तो इन बच्चों को कॉलेज से निकाल देना चाहिए। आज के लिए जब बांस साफ बच्चा ऐसे निकल जाएगा ना, तो और किसी बच्चे तो सबको आंख हो जाएगी, कोई ऐसे काम करेगा नहीं गलत काम। हाँ, अब ये एक बड़ी बात है कि क्या बात। आप इनको प्रिंसिपल को और सबको कहो भाई ये काम नहीं होने दे रहे, फिर भी जाकर अगर उनसे नहीं मान रही है प्रिंसिपल है तो फिर उन बच्चों को निकालो। यशोदा जी, लेकिन मुझे मुझे ऐसा आपकी बात से लग रहा है कि एक और सोल्यूशन है कि हम क्यों ना कॉलेज प्रशासन पर कार्रवाई कर दें, प्रशासन अपने आप पलट हो जाएगा। किसी बच्चे के भविष्य को बर्बाद करने से बेहतर है कि पहले इन जिम्मेदारों को, जो समझदार हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जो उस ओहदे पर हैं, जिम्मेदारी के पद पर है, उन पर कार्रवाई हो जाए। क्या इस बात से आप सहमत हैं? नहीं, ये तो ये पढ़े लिखे बच्चे जो है क्यों करते हैं दूसरे बच्चे का साथ ऐसा काम नहीं करना चाहिए ना। चलिए ठीक है, सुशील शर्मा जी, बच्चा ही है, आप चाहे आप टीनेज की बात कीजिए, जो अभी मेडिकल कॉलेज में नए नए गए हैं, उनकी भी उम्र ऐसी ही होती है कि वो बहुत ज्यादा समझ नहीं पाते हैं, उनको भी अपना एक रॉब दिखाना है कि भाई वो बहुत कुछ है, इम्प्रेशन झाड़ना है, जो हम लोग देखते हैं कि आजकल टीवी और फिल्मों के जरिए वो इम्प्रेशन को बहुत ज्यादा, अपने वजूद को बहुत ज्यादा तवज्जो देने लगे हैं। लेकिन यहाँ पर फिर प्रशासन की जिम्मेदारी आ जाती है कि कॉलेज प्रबंधन के ऊपर कार्रवाई क्यों ना कर दी जाए, ताकि वो कम से कम अलर्ट मोड में रहेगा कि भाई हॉस्टल में क्या चल रहा है, 24 घंटे निगरानी करेगा वो वहां पर, कॉलेज में क्या चल रहा है निगरानी करेगा, कोई बच्चा अगर परेशान दिख रहा है, उसके हाव भाव गलत दिख रहे हैं, तो उस पर निगरानी करेगा। तो क्या यहाँ पर इसकी हार्ड स्टेप की जरूरत नहीं है? डेफिनेटली मैंने यही कहा है कि असल में जो जब रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहे हैं हम, तो स्कूल का पूरा मैनेजमेंट जैसे मैंने कहा, और इवन जो कंसर्न जो टीचर है या वार्डन है, इन सब की पर्सनल अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, और डेफिनेटली जैसा मैंने कहा कि उनको पनिशमेंट मिलना चाहिए। क्योंकि अगर वो लोग ही, अगर हम किसको मानेंगे, हमने अपने बच्चे को स्कूल में भेज दिया, बिल्कुल, उसके बाद हम ये मान के चल रहे हैं कि वो एक सेफ और सिक्योर एनवायरनमेंट में पढ़ रहा है। बेसिकली अगर हम स्कूल में भेजते हैं तो हमारे पास में तीन चीजें होती है, हमारे टारगेट्स होते हैं कि क्वालिटी एजुकेशन हो, सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट हो, और रीजनेबल फीस हो। हम इतनी हार तोड़ मेहनत करने के बाद जैसे तैसे पैसा कमाते हैं, अपने बच्चे को भेजते हैं वहां पर पे, और वहां हमको मालूम चल रहा है कि हमारा बच्चा तो बुलिंग का शिकार हो रहा है। और वहां बुलिंग किस तरीके की हो रही है कि हमारा बच्चा वो तो एक छोटी सी फैमिली से गया है, वहां पे स्कूल्स का वो जो है, वहां पे स्कूलों के अंदर बच्चों के गैंग बने हुए बाकायदा। अभी जैसे गोयल जी ने कहा, बाकायदा मैं इसको गैंग मानता हूँ, कि वो एक पर्टिकुलर बेल्ट के लोग हैं, वो आसपास के लोग हैं, उनका एक बॉस है, डॉन बना हुआ है वहां पे, और बिल्कुल फिल्मी तरीके से जैसे सीरियल्स में दिखाया जाता है उस तरीके से पकड़ता है, बोले पकड़ के बुलाओ उसको रे यहाँ पे। वो पूरी नेतागिरी होती है, गिफ्ट्स भी मांगते हैं, टिफिन भी खा लेते हैं, और बिल्कुल दब्बू जैसा एक बच्चा रहता है जो किसी से कोई बात कह नहीं पाता है, और वो स्ट्रेस में रहते रहते बीमार पड़ जाता है, फिर जिम्मेदारी की बात आती कि आखिर जिम्मेदारी किसके साथ पर बात करेंगे। इसमें एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, असल में सिर्फ ये फिजिकल असॉल्ट नहीं, आपको शायद मालूम नहीं होगा, स्कूलों के अंदर सेक्सुअल अब्यूज भी होता है। Exactly. और बहुत ज्यादा हो रहा है। अभी रिसेंटली मेरे पास में आया है, एक बाहर का है, क्योंकि मैं नेशनल एसोसिएशन से जुड़ा हुआ हूँ, तो वहाँ पे बाकायदा एक 10th क्लास के बच्चे ने 5th क्लास के बच्चे के साथ सेक्सुअल अब्यूज किया बाथरूम में ले जाकर के। अब आप देखिए कि हम पूरी हमारी सोसाइटी जो है वो कौन से डायरेक्शन में जा रही है। इस पर संगीता बेनीवाल जी से जवाब लूंगी, लेकिन ब्रेक के बाद बात करेंगे कि आखिर ऐसे स्कूलों में सीसीटीवी अगर नहीं लगते तो कौन जिम्मेदार है? क्या आप हर स्कूल में सीसीटीवी लगवाना जरूरी है? जो ट्रांसपोर्ट के जितने भी साधन है वहां पर सीसीटीवी क्यों ना हो, वहां पर टीचर की तैनाती क्यों ना हो, और इन सब के बीच में जो हम कह रहे हैं कि साइकोलॉजी, जो मनहा स्थिति है बच्चों की, एक तरफ जो पीड़ित और दूसरी तरफ जो जिसको हम कह रहे हैं कि आरोपी है, उसकी भी मनहा स्थिति को काउंसिल करना जरूरी है, उसके लिए इनके पास क्या प्लान है, इस पर बात होगी छोटे से ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सबसे बड़े जुर्म की हम बात कर रहे हैं, रैगिंग का जुर्म, जिसने कई सारी जाने ली। और आपको याद भी होगा कि 2009 में ये बहुत ज्यादा चर्चा में तब आया था, जब हिमाचल का एक बेटा रैगिंग की वजह से उसकी जान चली जाती है, तब सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर फिर से एक सख्त रुख दिखाया था। हालांकि 2001 में रैगिंग को डिफाइन करते हुए इसमें क्या चीजें होनी चाहिए उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया था। लेकिन अब फिर सवाल ये उठता है कि गाइडलाइंस हो, रूल्स हो, रेगुलेशन हो, नियम हो, कानून हो, लेकिन वो तब तक कारगर नहीं होंगे जब तक इनको अप्लाई नहीं किया जाएगा ठीक ढंग से। और हम जब देखते हैं कि लगातार मेडिकल कॉलेजेस से रैगिंग की खबरें आती, स्कूल से भी रैगिंग की खबरें आने लगती हैं, तब यहां पर दो चीजें बहुत समझनी जरूरी हो जाती कि रैगिंग कैसे रुके, और इन सब के बीच में स्टूडेंट्स किस दिशा में जा रहे हैं, उनकी साइकोलॉजी क्या होती जा रही है, बच्चे छोटे छोटे जो स्कूल में पढ़ते हैं वो किस तरीके से सोच रहे हैं, उनकी सोच क्या, ये एक सबसे बड़ी चीज है। हम बच्चों से ही बात कर लेते हैं, भूपेंद्र का रुख एक बार फिर से कर लेते हैं, अजमेर का। भूपेंद्र, अभी हम बहुत चर्चा कर रहे थे कि स्कूल में बच्चों की मना स्थिति, कॉलेजेस में जब जाते हैं तो वहां मना स्थिति, और इन सब के बीच में रैगिंग को रोकने के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी। प्रबंधन की जिम्मेदारी कितनी मानते हैं, और क्या इन बच्चों को पता है कि इनके लिए हेल्पलाइन नंबर भी है जहां पर इनकी पहचान को छुपा करके इनकी मदद की जाएगी, इनको नियमों के बारे में पता है? जी देखिए, इन्हीं से बात करते हैं कि क्या आपको पता है कि आपके कॉलेज में या आपके स्कूल में जहां बच्चों के साथ पढ़ने जाते हैं वहां हेल्पलाइन नंबर है, रैगिंग के नंबर है, क्या आपको वो नंबर पता है? जैसे ये जो काउंसलिंग बनी होती है ये सिर्फ नाम के आधार पर बनी होती है, इनका कोई वजूद नहीं होता कैंपस के अंदर, बस नाम वगैरह ऐसा लगा दिया जाता है, ऐसे कोई काउंसलिंग सिस्टम नहीं होता अंदर, बस एक फॉर्मेलिटीज़ के लिए नंबर लगाया जाता है। क्या आपको नंबर भी पता है उसके? एक फॉर्मेलिटी के तौर पे एक आध या बोर्ड मिले वो भी टूटा फूटा मिलेगा, कहीं मिलेगा भी, तो ऐसा कुछ काउंसलिंग के लिए ऐसा कुछ नहीं बना होता है। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि कई छात्र जो है पुलिस के चक्कर और पारिवारिक दबाव इसके चलते भी रैगिंग की जो घटना होती है उसको जो है बताते नहीं है, एक दूसरे को शेयर नहीं करते? हाँ, ये चीज़ें पुलिस का जहाँ मैटर आ जाता है तो एक आम छात्र ये सोचता है कि मैं पुलिस के लफड़े में ना पड़ूँ, यही कोशिश होती है कि वो सहन करता जाता है। अब रैगिंग के अंदर क्या है कि दो तरह, एक मानसिक उत्पीड़न भी है, एक शारीरिक उत्पीड़न है। आजकल ज़्यादातर मानसिक उत्पीड़न होता है जिससे बच्चा अंदर ही अंदर घुट घुट के अंदर होता रहता है, वो या ऐसा सिस्टम हो जाना चाहिए काउंसलिंग, ऐसी प्रिंसिपल के तौर पे, एक गार्जियंस के तौर पर, एक स्टूडेंट के लिए तीन स्टेप में ऐसी काउंसलिंग बन जानी चाहिए जिससे वो हर चीज़ शेयर कर सके। अच्छा ना, कई दावे किए जाते हैं कि बच्चों का नाम गुप्त रखा जाएगा, सूचनाएँ नहीं दी जाएगी, ये मोबाइल नंबर है आप इन पर संपर्क करें, तो ये कितना सक्सेस मानते हैं आप इनको? ये कभी सक्सेस नहीं होता है कि गुप्त रखी जाएगी, क्योंकि जो घटना जिसके साथ हुई है उसकी घटना की जानकारी और भी लोगों को होती है, साथ में प्रशासन में कुछ लोग होते हैं जो जोश जोश में अपने व्हाट्सएप पे, आजकल सोशल मीडिया एक्टिव है, वो अपनी पहुंच बताने के लिए कि मुझे ये सब पहले मालूम था, इस चक्कर में वो बच्चे की गुप्त सूचना होती है वो बाहर वायरल कर देते हैं, इस वजह से सूचना कोई गुप्त नहीं रह पाती है। अच्छा, आपको भी लगता है लोकलाज से बचने के लिए कई छात्र जो है ये आगे शेयर भी नहीं करते, परिवार को भी नहीं बताते, प्रिंसिपल को भी नहीं बताते, आगे शिकायत भी नहीं कर पाते? हाँ, यही है, क्योंकि जो ये रैगिंग करते हैं वो असामाजिक तत्व होते हैं, जो इनका काम ही होता मारपीट करना, लड़ाई झगड़े करना, ये कार्य होता है। बच्चा सोचता है कि अगर मैं माँ बाप को बताऊंगा तो माँ बाप दूर दराज रहते हैं, गांव में रहते हैं या फिर कहीं और कहीं रहते हैं, उन्होंने कभी मामले नहीं देखे, प्रिंसिपल पुलिस वगैरह, तो बच्चे इस वजह से बता नहीं पाते और उनसे डरना चालू कर देते हैं। वो एक बार प्रताड़ित करते हैं, दो तीन बार प्रताड़ित करते थे, फिर बच्चा ज़्यादा प्रताड़ित होता तो या तो सुसाइड करता है या फिर एंड में जाकर वो एक्शन लेता है, उससे पहले वो एक्शन नहीं ले पाता है। आपको क्या लगता है किस तरह का एक सिस्टम बनना चाहिए ताकि छात्रों को कम से कम जो है नाम और पते उनके छुपाए रखे और उनको मदद मिले, रैगिंग नहीं हो, ऐसी घटनाएं रुक सके? सबसे पहले तो जो कॉलेज या स्कूल प्रशासन होता है उसके अंदर एक ऐसी सिस्टम बनाया जाना चाहिए कि कम से कम यदि किसी स्टूडेंट के साथ प्रताड़ित किया जाता है कोई सीनियर के द्वारा, तो कम से कम एक कैंपस के अंदर एक जगह होनी चाहिए जहाँ कोई भी छोटी से बड़ी घटना हो हाथों प्रिंसिपल उस पर एक्शन ले, यदि प्रिंसिपल से यदि कुछ नहीं होती है, बड़ी लेवल की कोई बात होती है पुलिस प्रशासन को जाए, पुलिस प्रशासन हाथों उसका अल्टीमेटली निकाले। है, लेकिन अब वही बात है कि कॉलेज उसको फॉलो कितना करते हैं कि नहीं करते। जो काउंसलिंग की बात यहाँ पर कही जा रही है उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि हर कॉलेज में होनी चाहिए काउंसलिंग, एक काउंसलिंग सेल होनी चाहिए, वहां पर समय समय पर मनोचिकित्सक को भी बुलाया जाना चाहिए, उनसे भी बच्चों की बात होनी चाहिए। अब हमारे साथ दो व्यूअर जुड़ गए, पहले उनका रुख कर लेती हूँ, फिर से पैनल का रुख करूंगी। मालपुरा से मुजाहिद हाशमी जुड़ गए हमारे साथ। मुजाहिद जी, कहिए, क्या कहेंगे आप? मैडम, छात्रों के साथ रैगिंग नहीं होना चाहिए, रैगिंग को रोकना चाहिए, इससे छात्र के स्वाभिमान को चोट पहुंचती है, इससे भय का माहौल बनता है, जूनियर व सीनियर दोनों का सम्मान होना चाहिए, इसमें कड़ा से कड़ा कानून बनना चाहिए। मैडम, कानून है सर, इसकी सख्ती से पालना होनी चाहिए, ये हम कहेंगे। और अजमेर से भंवर लाल हमारे साथ जुड़ गए, भंवर जी कहिए, क्या कहेंगे? हाँ मैडम, ये बोल रहा हूँ कि मैं भुगत भोगी हूँ
मेरा बेटा इंजीनियरिंग कर रहा था 2003 से 7-8 के अंदर पास आउट हुआ, उसमें उन्होंने बच्चों ने ऐसी रैगिंग ली, कमरे में बंद करके रात भर बंद रखा, और बंद करने के बाद में बच्चा इतना डिप्रेसिव सद्भाव में आ गया। आज भी वो थ्राउड फर्स्ट डिवीजन भी इंजीनियरिंग है, 10th में 77% है, 12th में 77% है, इलेक्ट्रिकल में 68% है, जिसको उसको बीच में वो क्या बोलते हैं ब्रेक आ गया था, तो भी मैं जाकर के मोटरसाइकिल से ले जाकर के उसको इंजीनियरिंग कराया, लेकिन उसको आज भी डिप्रेशन में इतना आ जाता है कि वो कहता है कि मुझे बंद कमरे में, उसने बच्चे के नाम भी बताया, उसने नियम उस समय थे नहीं, और मैं रात को सर्विस करता था, टीचर था, तो रात को जाके बच्चे को संभालता, फिर वापस आता, वो बच्चे उनसे छोटे छोटे बच्चे रैगिंग में जबरदस्ती उनके बीड़ी थोपना, सिगरेट थोपना, और मतलब ऐसे हॉस्टल में इतने उसको बाहर निकाला, फिर बाहर भी वो आके तंग करते थे। तो मतलब आज मैं भुगत रहा हूँ, वो कॉन्फिडेंस वापस नहीं आया उस बच्चे की जिंदगी में, जो बहुत जरूरी है आपको आगे स्ट्रगल करने के लिए। एक बहुत दुखद घटना है जिस पर हम ये चर्चा कर रहे हैं और इसीलिए हमने इस विषय को उठाया। संगीता जी, ये तो रही इंजीनियरिंग कॉलेजेस की बात मैडम, तब तक बच्चे फिर भी थोड़ा सा संभल चुके होते, लेकिन इस 8वीं 9वीं 10वीं क्लास में वो तो ऐसे कच्चे घड़े होते कि एक ठोकर से ही बिखर जाते हैं। फिर वही बात आती है कि यहाँ पर काउंसलिंग सेल्स स्कूल में होनी चाहिए, कमेटियाँ होनी चाहिए जो स्कूलों में नहीं है। राजस्थान के कितने स्कूलों में काउंसलिंग कमेटियाँ हैं मैडम, आपको जानकारी है क्या? और साथ ही साथ जो बाकी सुरक्षा, क्योंकि बाल अपराध जब बढ़े थे तब ये कहा गया कि सुरक्षा मानक के तौर पर हर स्कूल में, हर कन्विंस की गाड़ियों में जो बच्चों को लाने ले जाने के लिए, वहां पर सीसीटीवी और बाकी सुविधाएं होनी चाहिए, सिक्योरिटी मेजरमेंट जो है, पैमाने जो है वो पूरे होने चाहिए, उसके लिए क्या जानकारी, कितने स्कूलों में है, कितने में नहीं, क्या अब तक आपने देखा? जी हाँ बिल्कुल, मैं मौका निरीक्षण के लिए जाती हूँ, औचक मौका निरीक्षण के लिए, और बड़ा दुख होता है ये जान के कि सरकारी स्कूलों में फिर भी बच्चों को चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर पता और शिक्षकों, लेकिन जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वहाँ तो टीचर्स तक को भी नहीं पता चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर क्या है। और जो अभी दो दिन पहले हाल ही में मैंने जयपुर में मीटिंग भी रखी थी शिक्षा अधिकारियों के साथ, बाल वाहिनियों को लेकर भी बहुत सारी गाइडलाइंस हैं परंतु वो लागू नहीं हो रही हैं। बिल्कुल, तो इसके लिए मैं गंभीरता से हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी, इनसे भी बहुत जल्द मीटिंग रख के इसके बारे में बात करेंगे। अच्छा, अभी एक चीज और जानना चाहूंगी मैडम, जो हम काउंसलिंग की बार बार बात करते, चाहे वो बाल अपराधों को रोकने की बात हो, अब रैगिंग भी उसी के अंदर ही आ जाएगा, लेकिन हम काउंसलिंग कहीं नहीं पाते हैं। और ये हम लगातार, हमने कितने सारे इशूज पे चर्चा की, इसी शो में जवाब तो देना पड़ेगा हमें ही, लेकिन हमें अभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा कि स्कूलों में काउंसलिंग हो रही है बच्चों की। जी बिल्कुल, मैं इसके लिए खुद व्यक्तिगत रूप से सभी जिलों में पहुंचकर, ब्लॉक लेवल तक के स्कूलों में पहुंचकर, हमारे सदस्यों को भेजकर, आयोग को भेजकर पता करेंगे और इसकी रिपोर्ट लेंगे तथ्यात्मक, कि काउंसलिंग का जो मुद्दा है और जो आवश्यक बोला गया है वो कितने स्कूलों में लागू हो रहा है, और अगर ऐसा पाया जाता है कि नहीं हो रहा तो उन स्कूलों के खिलाफ भी सख्त कार्यवाही की जाएगी और वहां के ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के साथ भी सख्त कार्यवाही की जाएगी। विजय गोयल जी, विश्वास है, विजय गोयल जी कुछ कहना चाह रहे हैं। विजय जी देखिए, हाँ वही बात रहती है, पॉस्को एक्ट 2012 में एक प्रोविजन किया गया है हर स्कूल में काउंसलर्स के अपॉइंट करने का, आज तक वो अपॉइंट नहीं हुए। आप सीनियर सेकेंडरी स्कूल में चले जाइए, हर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में काउंसलर अनिवार्य है। सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कूल में फिर भी काउंसलर लगा दिए हैं, बाकी के किसी प्राइवेट स्कूल में चले जाइएगा आप, जितने बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल हैं उन्होंने काउंसलर के नाम पर एक टीचर को कहा कि काउंसलर है, उससे पूछो काउंसलर के सीखे मतलब मालूम है क्या उसका, तो उसको वो नहीं मालूम। नहीं, असल में उसको एक एडिशनल ड्यूटी दे दी जाती है, एक टीचर जो है उसको ये भी बोल दिया गया वो पढ़ाने के अलावा ये काउंसलर भी है, मतलब पर्टिकुलर वो नहीं है जो टीचर जो कि बहुत बड़ा मजाक है, जिन्होंने साइकोलॉजी में ऑनर्स किया हुआ है या साइकोलॉजी एज अ आर्ट उन्होंने सब्जेक्ट लिया हुआ है वो पढ़ा रहे, दे आर टीचिंग अनदर सब्जेक्ट, मतलब उनको डेजिग्नेशन भरने जैसा हो गया कि कागज पे आपको दिखाना कि हां भाई कमेटी है और ये इसको लीड कर रहे हैं। इनफैक्ट उनको देखिए लॉ की नॉलेज नहीं, उनको चाइल्ड साइकोलॉजी की नॉलेज नहीं। संगीता जी ने एक बड़ी बात कही कि सरकारी स्कूलों में बच्चों को हेल्पलाइन के बारे में पता है, लेकिन मैं इत्तेफाक नहीं रखती कि आप लोग रखते हैं, आप चारों से मेरा सवाल है।
किसी को भी नहीं मालूम। एक एक करके बताइए संगीता जी सुने ताकि ठीक है सर, आप सुशील शर्मा जी, आपको लगता है सरकारी स्कूल में बच्चों को टीचर्स को नॉलेज है हेल्पलाइन नंबर्स के बारे में? टीचर्स को मालूम नहीं होगा, इस बच्चों की तो बात छोड़ दीजिए। जब हम बात कर रहे हैं कि सरकारी स्कूलों की, तो हम मान के चलते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल्स में जो जो बच्चे जा रहे हैं वो एक बहुत मतलब उनका बेसिकली क्या है कि बहुत अनएजुकेटेड जो है एनवायरमेंट से उठ करके आ रहे हैं या फिर बहुत गरीब घर से हैं। अब यहाँ पे उनके पेरेंट्स को पता नहीं होगा, बच्चों को पता नहीं है, टीचर्स को पता नहीं होता है। और इनफैक्ट हम ये बोलते हैं कि जब प्राइवेट स्कूल जो कि इतने बड़े बड़े स्कूल है जिनके पेरेंट्स इतने एजुकेटेड है, वेल ऑफ है, मतलब जिनको अच्छी खासी नॉलेज है, बहुत लर्नेड लोग है, उनको मालूम नहीं है, तो सरकारी को जो हम उम्मीद कर रहे हैं। चलिए एक सुनिए संगीता जी, उम्मीद करती हूं आप सुन रहे होंगे। मैडम आप क्या कहेंगे इस पर? मैम आप, अनिता जी आपसे भी पूछ रहे हाँ, आप बताइए आपके इत्तेफाक में संगीता जी किस बात से? नहीं नहीं एक मिनट मैडम, सारे सारे जो गेस्ट है पहले एक बार मैंने जिले कवर किए हैं और औचक निरीक्षण किए। हाँ अनिता जी, नहीं मेरे को नहीं लगता है कि है ना सभी स्कूलों में बच्चों को हेल्पलाइन नंबर के बारे में पता है। अभी एक प्रद्युमन केस की बात हुई थी जिसके अंदर बाद में चाइल्ड हेल्पलाइन था, बहुत बड़ा केस था और उसी के बाद में पूरे भारतवर्ष में चाइल्ड हेल्पलाइन को काफी ज्यादा महत्व दिया गया था, काफी सारे स्कूल्स में ये बताया गया था, पर बस उसके बाद मेरे ख्याल से कभी उसका बाद में रिपीटेशन नहीं हुआ। आपको क्या लगता है 3 साल बाद पहले जिस हेल्पलाइन नंबर के बारे में एक बार बता दिया गया वो आज भी बच्चों को याद है? मेरे को तो नहीं लगता। आपको ये जो चीज़ें गाइडलाइंस है, ये हेल्पलाइन नंबर है, बार बार उस बच्चों के सामने उसको बताना पड़ेगा। कुछ एक ये कि रैगिंग ऐसे नहीं करनी चाहिए, बच्चों को बुली नहीं करना चाहिए, इसके बारे में बच्चों के बारे साथ जानकारी शेयर करनी चाहिए। शायद एक बोर्ड हर स्कूल में होना चाहिए, होना चाहिए जहाँ पर सब कुछ लिखा हो। असेंबली आप बच्चों के साथ शुरू में बात करते हैं, हर स्कूल्स में होती है असेंबली जिसमें हम प्रेयर करते हैं, बच्चों के साथ बातचीत करते हैं, इवेंट्स होते हैं, ऐसे ही कुछ इवेंट्स क्यों ना आप हेल्पलाइन के बारे में करें। रैगिंग विजय गोयल जी भी कुछ कह रहे हैं, बिल्कुल सर सर आ रही हो एक ही कमेंट लेके फिर उसके बाद विजय गोयल जी। देखिए आपने जो बात कही ना, इस पूरी चीज के बच्चे के मनोविज्ञान के ऊपर, बच्चे के मस्तिष्क के ऊपर जो प्रभाव पड़ता है, वो प्रभाव उसके क्या वाकई में सरकारी स्कूलों में टीचर्स अवेयर है, प्रिंसिपल अवेयर है? हम बस वही बात कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर अगर ये बात कही जा रही है तो उसका उसकी सच्चाई भी सामने आनी चाहिए ना। ठीक है अशोक राजपुरोहित जी बात से जुड़ गए सोजत से। अशोक जी क्या कहेंगे आप? मैडम मैं ये कहना चाह रहा हूँ, किसी भी संस्था के अंदर स्टूडेंट की रैगिंग होती है तो उस संस्था के संस्था प्रधान कुछ अधिकार दिए जाते हैं जिसके तहत उस जो रैगिंग करने वाले छात्र को कुछ न कुछ पनिशमेंट दिया जाए। ये वहाँ पर न तो उनको पनिशमेंट दिया जाता है, उस बात को दीपापूर्ति कर दी जाती है जिससे छात्रों का और हौसला बढ़ जाता है रैगिंग करने के लिए। तो उसके ऊपर राज्य सरकार क्या कार्रवाई कर रही है, चाहे स्कूल हो, हॉस्टल हो, कॉलेज हो, ये बड़ी बात है कि कार्रवाई क्या हो रही है जिस पर अभी हम बात भी कर रहे थे। जैसलमेर से खानो खान भी जुड़ गए हैं, खानो जी कहिए। मैडम 2 सालों से कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही, छात्रवृत्ति में अपने फॉर्म अप्लाई किया था, कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही स्कूल से जी। तो कार्रवाई की बात कही जा रही है। विजय गोयल जी संक्षेप में अपनी बात। देखिए भरतपुर मेडिकल कॉलेज में केस निकल के आया, वो बड़ा केस, बहुत सारे बच्चों को छह महीने के लिए सस्पेंड किया, नौ छात्रों को 6 महीने के लिए, एक को 1 साल के लिए। तो जो केस सामने आ रहे हैं उसमें सस्पेंशन हो रहा है, लेकिन छोटे बच्चों के साथ जो कुछ हो रहा है उसमें अभी कुछ कार्रवाई नहीं हो रही। और हम वही कह रहे हैं कि जो शिकायत पुस्तिका वाली जो बात, शिकायत पेटी वाली जो बात कर रहे हैं, काउंसलर की जो बात कर रहे हैं, इसको एंश्योर करना पड़ेगा। इस और संगीता जी ये सुझाव सुन रही होंगी कि वहाँ पर शिकायत पेटी होनी चाहिए, बोर्ड्स होने चाहिए, कॉमन रूम होना चाहिए, काउंसलर होना चाहिए। जी सुशील शर्मा जी आप कुछ कह रहे थे। असल में अगर आप किसी भी पुलिस स्टेशन में जाएंगे, थाने में जाएंगे, तो वहाँ आपको एक बहुत बड़ा सा बोर्ड लिखा हुआ मिलेगा जिसके अंदर आपको बताया जाएगा कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के हिसाब से, उसके डायरेक्शन के हिसाब से हमारे पास में कौन कौन से राइट्स हैं और पुलिस की क्या क्या ड्यूटीज हैं। बिल्कुल हर एक स्कूल के अंदर, हर एक कॉलेज में, हर एक इंस्टीट्यूशन के अंदर बाकायदा ऐसा बोर्ड लिखा होना चाहिए जिसमें ये मालूम होना चाहिए कि अगर इस तरीके का, इस एक्ट का ये वायलेशन होता है तो हमारे पास में ये हेल्पलाइन नंबर है, स्कूल की मैनेजमेंट की क्या ड्यूटी है ये भी उसमें लिखा होना चाहिए, वायलेशन के हालत में कौन किसको रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाएगा वो उसके ऊपर लिखा जाना चाहिए,
इससे बेहतर मेरे ख्याल में कोई तरीका नहीं हो सकता है। हाँ। अभी जैसे एक है कि आपने जो कंप्लेंट बॉक्स की बात की, ये डेफिनेटली होना चाहिए। इनफैक्ट ये नहीं कि सिर्फ यही एक ये जो हो रहा है वायलेशन, एक और मुझे जो लगता है एक ऑप्शन और हो सकता है सलूशन यहाँ पर, जिसपे शायद संगीता जी गौर करेंगी। हम हर एक स्कूल की पुस्तिका होती है जब एडमिशन के लिए जाते हैं, तो उस पुस्तिका में भी इस बात को बोल्ड लेटर्स में मेंशन किया जाए कि अगर ऐसा कुछ हाव भाव में चेंज होता है तो पेरेंट्स भी आकर के यहाँ पर इस जगह पर कंप्लेन कर सकते हैं या बात कर सकते हैं, ये चीज होनी चाहिए। गौरा जी आप हाँ तो कह रहे हैं, लेकिन फिर वही बात आती है, 2012 से काउंसलिंग की बात कही गई कि हर जगह पे हर स्कूल में काउंसलिंग की व्यवस्था होनी चाहिए, हुई नहीं सर, क्या कर रहे थे? और बाल अपराध आपकी सरकार के समय ही सबसे ज्यादा चरम पर था, NCERB की रिपोर्ट कहती है। तो बाकायदा अगर सियासी दल के तौर पर, विपक्ष के तौर पर, या फिर जब आप सत्तासीन थे तब आपकी जिम्मेदारी क्या? सुषमा जी हमारी सरकार के समय पे काउंसलिंग सेंटरों पे भी ध्यान दिया गया था, दूसरी तरफ जो बच्चों के स्कूलों में जो सुधार थे उन पे भी ध्यान दिया गया था। सर झूठ है ये, मैं बता रहा हूँ ना आपको। अरे मेरी बात नहीं मानिए, पैनल की बात मान लीजिए ना, आपके साथ मैं बता रहा हूँ आपको। तो अब जो जिस प्रकार दूसरी चीज, मैं सुषमा जी एक चीज और कहना चाहूंगा आपको, परिवार के लोगों को भी बच्चों के साथ में एक, अपन इसका सुझाव ले रहे हैं तो मैं एक बातचीत बताना चाहूंगा, व्यक्तिगत बात। चलिए परिवार के जो लोग हैं उनको भी बच्चों से बातचीत करनी चाहिए, उनको क्या समस्या आ रही है इस पे भी परिवार के लोगों को ध्यान देना चाहिए। पेरेंट्स की जिम्मेदारी की आपने बात कही, उसमें मैं बात करूंगा, लेकिन आपने घुमा दी बात। बात पेरेंट्स की जिम्मेदारी की नहीं थी, बात यहाँ पर सियासत की जिम्मेदारी की थी कि पॉलिटिकल कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। सेंट्रल गवर्नमेंट को इस पर और शायद और ज्यादा रिफाइन करनी होंगी चीजों को, और ज्यादा उसमें और पारदर्शिता लाने की जरूरत है, आंकड़े वगैरह भी देने की जरूरत है, उस पर बात करेंगे। खानो खान जी हमारे साथ जुड़ गए, खानो जी बोलिए। हेलो जी सर, जी खानों का जैसलमेर से मैडम। हाँ जी सर बोलिए। मैडम हमारे ग्रामीण इलाकों में टीचर आते हैं आधे टाइम में चले जाते हैं, पर्ची पूरी तरह नहीं होते, पीरियड नहीं लगते मैडम जी। तो टीचर क्लासों में आते हैं ना मैडम? अच्छा टीचर स्कूल में नहीं आते, ये तो ये अलग ही समस्या हो गई कि टीचर आएंगे नहीं तो पढ़ाएंगे क्या, और पढ़ाएंगे नहीं तो ये रूल्स और ये सब चीज़ें बताएंगे कैसे। संगीता जी से जवाब लेते हैं। संगीता जी स्कूलों की जब बात आती है बच्चों की तो समस्याएं था हैं, और देखिए यहाँ पर एक पेरेंट्स जुड़े थे हमारे साथ, अभिभावक जो कह रहे टीचर्स आते ही नहीं है। लेकिन फिर मसला वही आता है कि क्या वाकई में आपके दावों में सच्चाई है कि सरकारी स्कूलों में सबको तमाम कानून की जानकारी है, बच्चों को भी है? क्या हम एक रियलिटी चेक कर लें इस पर? सभी में नहीं, मैंने कहा काफ़ी स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में जब जाते हैं और बच्चों से पूछते हैं कि चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर क्या है, तो बच्चों को जवाब पता होता है चाइल्ड हेल्पलाइन का, वो नंबर तुरंत बताते हैं। अच्छा। जबकि ऐसा प्राइवेट स्कूलों में नहीं होता, प्राइवेट स्कूलों में अध्यापकों को भी नहीं पता चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर। और जहाँ तक बात उठ रही है कि कई सारी अध्यापक ही नहीं आते स्कूल के अंदर, तो बिल्कुल अगर इस तरह की बात है और इस तरह की बात उठती है और हमारे तक आती है तो बिल्कुल तुरंत कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि आयोग खुद गंभीर है इन मामलों को लेकर, खुद हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री जी भी इस मामले को लेकर। अच्छा संगीता जी एक सवाल मेरा, और जो आप आश्वासन दे रही थी उस पर एक बात है कि आप कितना डेडलाइन लेके चल रही हैं कि करीब करीब सभी जिलों के स्कूलों को आप पहुंच बना लेंगी, वहां तक पहुंच जाएंगी, स्थितियों को जान लेंगी, क्या डेडलाइन आपके पास, क्या प्लान आपके पास? जी मैं लगभग 2 महीनों के, 1.5 से 2 महीनों के अंदर सभी जिलों में पहुंच जाऊंगी, जिस तरह से मैंने अभी जालौर, पाली, जोधपुर, जयपुर, इन सभी जगहों के कर लिया। मैं बहुत जल्द बीकानेर भी पहुंचूंगी। अच्छा, तो ये तो रही सरकारी स्कूलों की बात मैडम, लेकिन आपके हिसाब से प्राइवेट स्कूल और ज्यादा फिसलती हैं? बिल्कुल, बहुत जल्द सभी जिलों में पहुंचूंगी, और मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि वहाँ शिकायत पेटी का। चलिए बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छी बात मैडम, लेकिन ये सरकारी स्कूलों की आपने बात कही, आप कह रही है प्राइवेट स्कूल तो और फिसलती हैं, स्कूल उन पर मकेर कैसे कसेंगे? मैं ये कहना चाहूंगी अगर स्कूल चल रहा है तो बिना गवर्नमेंट की परमिशन के, बिना NOC के कोई स्कूल खुल ही नहीं सकता है, चल सकते। और अगर सरकार की होनी चाहिए बाल अधिकार वहाँ पर भी, तभी मैंने सवाल पूछा सर थोड़ा सा। और अगर सरकार इनको कंट्रोल नहीं करेगी फिर कौन करेगा, भगवान थोड़ी अगर करेगा? तभी ये सवाल मैंने पूछा, तभी पूछा कि अगर प्राइवेट स्कूलों में स्थिति ज्यादा खराब है संगीता जी के बखौल जो वो कह रही है उनके मुताबिक, तब तो और ज्यादा सोचनीय स्थिति है, क्योंकि प्राइवेट स्कूलों में बच्चों की स्ट्रेंथ ज्यादा है। संगीता मैम संगीता जी
बिल्कुल, देखो प्राइवेट स्कूलों में भी अगर हम लोगों को शिकायत पेटी का नजर नहीं आती है, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर नहीं पता होता, काउंसलर नहीं होता है, तो बिल्कुल उस स्कूलों की मान्यताएं भी हम लोग रद्द करेंगे। चलिए ये हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि चाहे बच्चा प्राइवेट में हो चाहे सरकारी में हो, बच्चा बच्चा है, बच्चा सभी बच्चे समान है। बिल्कुल बिल्कुल, और सरकार की जिम्मेदारी सबके लिए समान है। सुमित हमारे साथ जुड़ गए हैं श्रीगंगानगर से, हम एक व्यूअर हमारे। सुमित बताइए क्या कहेंगे आप। हेलो जी सुमित। हाँ जी मैम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। हाँ मैम, ऐसा है रैगिंग का ताजा मामला श्रीगंगानगर में हुआ है। अच्छा, तो ये पहली बार नहीं है, ऐसा फिर होता रहता है, लेकिन सीसीटीवी कैमरे स्कूलों के अंदर क्यों नहीं लगाए जाते? एग्जैक्टली, ये सवाल संगीता जी से पूछा मैंने सुमित जी, ये सवाल संगीता जी से पूछा कि सीसीटीवी कैमरा हर स्कूल में क्यों नहीं है, जो बाल बहरिया उसमें क्यों नहीं है। हाँ बिल्कुल, आपकी बात ठीक है, तो मैं ये कहना चाहूंगा इसके आगे की जो स्टेप है वो ये है, जो नहीं लगाता है, जो नहीं लगाता है उसके खिलाफ तुरंत एक्शन लिया जाए, एक्शन की जानी चाहिए, क्यों नहीं लगा रहे हैं। संगीता जी सुन रही हैं आप सुमित जी को, श्रीगंगानगर से ही हैं। अभिभावक डरे हुए हैं मैडम, अभिभावक डरे हुए हैं श्रीगंगानगर जहां पर इस स्कूल में घटना सामने आई वहीं से ये। हाँ। बिल्कुल मैं सुन रही हूं, बिल्कुल सुन रही हूं, और आपकी बात से मैं नहीं, बिल्कुल मैं आपको सुन रही हूं और बिल्कुल मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूं, और शत प्रतिशत बाल वाहिनी और स्कूलों में सीसीटीवी कैमरे होने चाहिए। चलिए दो महीने बाद रियलिटी चेक होगा, संगीता जी जवाब तो देना पड़ेगा, मैं दो महीने होते तो ठीक ठीक मैडम, दो महीने बाद जवाब तो देना पड़ेगा, मैं फिर से आप इनवाइट की जाएंगी, दो महीने बाद फर्स्ट इंडिया रियलिटी चेक करेगा, दो महीने की डेडलाइन आपने दी है, उम्मीद करती हूँ कि डेडलाइन फुलफिल होगी यहाँ पर, क्योंकि आप वक्त खत्म करने का आ रहा है, तो फटाफट एक कमेंट लेते हैं। सुशील शर्मा जी आपसे शुरुआत, संक्षेप में आपकी तरफ से क्या होना चाहिए, सबसे पहला स्टेप क्या? पहली चीज जैसा मैंने एक कहा कि पूरा बोर्ड लगा हो जिसके ऊपर बाकायदा हर एक रोल का, हर एक जो है स्टूडेंट के राइट्स का, उनके पेरेंट्स के राइट्स का, स्कूल की ड्यूटीज का पूरा मेंशन किया हो, नंबर एक। नंबर दो, सीसीटीवी कैमरास जैसे भी मैडम ने कहा, बस दो। सिर्फ एक और, सिर्फ एक और है। बेसिकली जो अगर आपने कहा कि सीसीटीवी कैमरा हो तो ये गवर्नमेंट स्कूल्स नहीं, प्राइवेट स्कूल्स के अंदर पहले होना चाहिए, क्योंकि वायलेशन यहाँ ज्यादा हो रहे हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स में नहीं हो रहे हैं। बढ़ा सकते हैं, ठीक है मैम। आप अनिता जी देखिए, जैसा कि हम हेल्पलाइन के नंबर्स के बारे में बात करते हैं, ना केवल सिर्फ साल के शुरुआत में बल्कि बीच बीच में भी बच्चों को इसके बारे में जानकारी देनी चाहिए, टीचर्स की वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करनी चाहिए कि किस तरीके से अगर कोई बच्चा आपके पास आता है तो एकदम से उस बच्चे को बुला के डांटना नहीं चाहिए, या फिर दूसरा जो बच्चा उसको बुली कर रहा है उसको डांटना नहीं चाहिए, किस तरीके से क्या परिस्थिति है। विजय गोयल जी की सबसे बड़ी बात है, टीचर्स पेरेंट्स मीटिंग सरकारी स्कूलों में ज्यादा होती नहीं है, तो सर वहां पर कैसे होगा? बिल्कुल, देखिए आपने, आप दोनों ने जो बात की, इस इन में से एक चीज को इंश्योर कर दें, पहला चीज कि बोर्ड ये सूचना पट हो, दूसरा शिकायत पुष्टि पेटी का हो, और एक काउंसलर हो। हाँ, काउंसलर बहुत चीजें जी हमारे स्कूल में, हमारे कॉलेजेस में इंश्योर हो जाएंगी, तो शायद बहुत सारी चीजें, बहुत सारे बच्चे अपनी बात कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। गौरा जी, सेंटर की जिम्मेदारी कितनी, आंकड़े मिलेंगे हमें? आंकड़े मिलेंगे सुषमा जी, मिल भी रहे हैं, और दूसरी तरफ दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, और परिवार को और प्रशासन को, दोनों को बच्चे से बात करेंगे ना, विपक्ष भले लेकिन जिम्मेदारी आपकी, सामाजिक सबकी जिम्मेदारी है ये, आपकी हमारी सबकी जिम्मेदारी। बिल्कुल, अपनी जिम्मेदारी को हम समझ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए, और संगीता जी उम्मीद करती हूँ कि जो बातें आपने कही हैं वो धरातल पर उतरेंगी, क्योंकि बच्चों के संरक्षण की बात है यहाँ पर, उनके बाल मन की बात है, जो जब खरोचे पड़ जाती है तो उसके दाग जाते नहीं। जैसा एक पेरेंट्स हमारे साथ जुड़े थे, एक पिता जुड़े थे, जो बता रहे थे कि उनके बच्चे का भविष्य कैसे अब अंधेरे में है, वो कॉन्फिडेंस लौट कर नहीं आता है जब एक बार खो जाता है बचपन में, तो इसलिए उसको संभाल कर रखना होगा, और फर्स्ट इंडिया अपनी जिम्मेदारी को बखूबी समझता है, इसलिए जिम्मेदारों को जगाता है, सवाल पूछता है, और आपको जवाब देना पड़ेगा। फिलहाल के लिए आप रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।